बीजेपी का गाय, तब ममता बनर्जी जी बीजेपी की बकरी है, वो जब जब बीजेपी यहाँ आती है दीदी दीदी करती है और कटवाती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले दीदी को बोलिए कि खुद बकरी का टैग हटाए, उसके बाद इधर गाय का और भैंस बोलना शुरू करें। शेख किसी से डरते नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी भी कहती है कि वो शेरनी है बंगाल की। देखिए वो अपने जगह में शेरनी है, लेकिन आसनसोल में तो हम ही शेर है और असदुद्दीन अवैसी के सदारत में शेर है यहाँ पे। तो आपको ठीक है, कितना कोयला चोरी और कितना लोहा चोरी और कितना ड्रग एडिक्ट और कितना माफिया गुंडा यहाँ से पैसा पहुँचा रहा है सब हम लोगों को पता है। हम लोग मुँह नहीं खोल रहे, जब मुँह खोलेंगे ना तो अच्छा अच्छा का यहाँ के जो रहनुमा बने फिर रहे हैं उनका भी हवा खराब हो जाएगा। जॉइन AIMIM में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ जुइफा आपके साथ। आज हम पहुँच गए बंगाल के आसनसोल में। आज हम लोगों के साथ है आसनसोल के MIM से चुना गया कैंडिडेट दानिश अजीज। सो आइए उनसे जान लेते हैं। भैया आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है इस बार, आपका जीतने का कोई चांसेस है? चांसेस का क्या जरूरत है, आपको भीड़ तो ही जवाब दे दिया, मैं क्या बोलूँगा। आज आपके मतलब पब्लिक मीटिंग में भारी भरकम भीड़ हुआ है, क्या लगता है वो सब वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे? वोट में तो 9 तारीख को ही कन्वर्ट हो गया था, आज तो सिर्फ सब देखने को आए थे सदर साहब को। आसनसोल को लेके आपका फ्यूचर प्लान क्या है अगर आप जीत गए तो? आसनसोल में 3 मुद्दा मेन है जिसको हमको बहुत लेकर आगे सोचना है, हो सकता है शायद इस बात से किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। सब 3 मुद्दा यही है कि आसनसोल में जो अभी सेक्स रैकेट का जो एक गलत नज़रिया बनाया हुआ है, हो सकता है आसनसोल को बदनाम किया जा रहा है, उस बदनामी के दाग से हटाना है। ड्रग एडिक्ट जो किया हुआ है, ड्रग एडिक्ट आज आसनसोल में ड्रग एडिक्ट से छोटे से लेकर बड़े तक जो डूबे हुए हैं उससे ड्रग फ्री करना है, ड्रग फ्री आसनसोल को लगा करना है और बेटर एडुकेशन सिस्टम पे ट्रीटमेंट लेना है, ये 3 उद्देश्य है हमारा। अभी आसनसोल में कौन से MLA यहाँ पे, उनका तो बात ही छोड़िए। हाँ तो अभी उनका क्या क्या नहीं हुआ है जो आप करने वाले इन फ्यूचर अगर आप जीत गए तो? उन्होंने किया ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को चावल बोरा तिरपाल और थोड़ा ज्यादा से ज्यादा हुआ तो दादा बोलने का और सेल्फी खिंचाने का मौका के अलावा और कुछ नहीं किया है उन्होंने आसनसोल रेल पार्क के क्षेत्र में। अगर आप जीत जाएंगे तो आप वो सब करेंगे जो आसनसोल के? मैंने 3 चीज आपको बोल दिया, वो 3 चीज तो करूंगा ही, और मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से MLA पावर से अगर बनता हूँ तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से जो भी आगे मेरे लिए बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। बंगाल में 7 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कितना जीत पाएंगे आप लोग, कितना निकल पाएंगे? MIM जहाँ सीट देती है वो 7-7 हो, चाहे 6-6 हो या 5-5 हो, आप जैसे बिहार में देखा आपने 5 उन्होंने वहाँ पे कंफर्म कर लिया, मैंने जीत गए थे वो, तो आगे देखते हैं। उम्मीद है कि आसनसोल में 7 दिया है, 7 में कम से कम 7 तो जितना ही मुनासिब है। उनके एक के बाद एक मीटिंग कैंसिल हो रहा था, आसनसोल का पहले मीटिंग भी कैंसिल हुआ, लेकिन क्यों, क्या डर है या कोई साजिश? देखिए असद साहब की बात है तो वो शेर है, शेर किसी से डरते नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी भी कहती है कि वो शेरनी है बंगाल की। देखिए वो अपने जगह में शेरनी है, लेकिन आसनसोल में तो हम ही शेर है और असदुद्दीन अवैसी के सदारत में शेर है यहाँ पे। तो आपको आज जितना भी भीड़ हुआ है वो सब कुछ मतलब हर एक जगह उनका जितना भी भीड़ होता है सब जगह मतलब TMC सरकार भी है, BJP भी है, सबको हरा पाएंगे MIM? देखिए हम तो आपको पहले ही बता चुके, अभी बोल रहे हैं आसनसोल उत्तर से MIM जीत रही है, शायद इसीलिए ये भीड़ था आज, ठीक है। असदुद्दीन अवैसी के फैन तो है ही बेशक, वो 9 तारीख को आपको जन सैलाब ने बता दिया था, लेकिन आज जो हुआ ना आज ये सब उनके मोहब्बत में और उनके वोट के हिसाब से यहाँ पे आए हैं, क्या उनके हक के लिए लड़ने के लिए आए थे आज यहाँ पे। क्या उनके आने से वोट बैंक स्प्लिट हो जाएंगे? देखिए वोट बैंक का तो पता नहीं, असदुद्दीन अवैसी साहब वोट बैंक का राजनीति नहीं करते, असदुद्दीन अवैसी साहब लोगों के पास लोगों के साथ रहने का राजनीति करते हैं और इसी राजनीति के उद्देश्य के साथ लोगों का भला हो उसी के लिए वो आगे जाने जाते हैं। ममता बनर्जी हाल ही में एक पब्लिक मीटिंग में कोचबिहार में असदुद्दीन साहब को BJP का गाय बोला है, सॉरी टू से बट BJP का गाय बोला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? BJP का गाय, तब ममता बनर्जी जी BJP की बकरी है, वो जब जब BJP यहाँ आती है दीदी दीदी करती है और कटवाती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले दीदी को बोलिए कि खुद बकरी का टैग हटाए, उसके बाद इधर गाय का और भैंस बोलना शुरू करें। कम्युनल का भी आरोप लगता है, क्या कहेंगे? कम्युनल का बात ही छोड़िए, जो इंसान मुस्लिम लोगों मुस्लिम होकर मुस्लिम के अलावा हिंदू जात को इतना क्लोजली पसंद करते हो उनसे आप कम्युनल और सेक्युलर की बात नहीं कर सकते, उनसे सिर्फ आप हिंदुस्तानी का ही बात कर सकते हैं और वो एक सच्चे हिंदुस्तान है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस चीज़ का प्रूफ है।
ममता बनर्जी का कहना है वो बीजेपी से पैसा लेकर बंगाल आए हैं साजिश रचने के लिए उनके अगेंस्ट में। ममता बनर्जी का बात जहां तक रहा, देखिए ममता बनर्जी क्या है क्या नहीं वो खुद जानती है। हमको तो लगता है जैसा कुछ दिन पहले हमारे सदर साहब ने बोला था, आज मैं अभी बोल दे रहा हूँ, अगर ममता बनर्जी जी साबित कर दे तो असदुद्दीन अवैसी जी ने बोला ना कि हम अपना 90% पैसा उनके भाईपो को दे देंगे, तो मैं भी वही बोलता हूँ। आज ये पश्चिम बर्धमान जिला का सबसे मेन गढ़ है आसनसोल, ठीक है, कितना कोयला चोरी और कितना लोहा चोरी और कितना ड्रग एडिक्ट और कितना माफिया गुंडा यहाँ से पैसा पहुँचा रहा है सब हम लोगों को पता है। हम लोग मुँह नहीं खोल रहे, जब मुँह खोलेंगे ना तो अच्छा अच्छा का यहाँ के जो रहनुमा बने फिर रहे हैं उनका भी हवा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। एमआईएम के बंगाल चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है, आप लोगों का मैनिफेस्टो क्या है? मैंने एमआईएम का जो मेन मैनिफेस्टो है वो अभी तक मेरे पास नहीं आया, लेकिन आसनसोल का तीन मुद्दा जो बेसिक मुद्दा है मैंने बता दिया, ड्रग फ्री चाहिए आसनसोल, ठीक है, सेक्स एडिक्ट जो सेक्स रैकेट का जो नाम एक धब्बा लगा रूमर लगा है उसको हटाना है, और बेटर एडुकेशन ट्रीटमेंट चाहिए। ये तीन मुद्दा लेकर आसनसोल में उतरी है एमआईएम और इसी पे काम करेगी आगे। तो मुर्शिदाबाद में सागर दीघी में भारी भरकम भीड़ हुआ है, मुर्शिदाबाद में जैसे कि टीएमसी है, कांग्रेस सरकार मतलब कांग्रेस का भी है, तो क्या आपको क्या लगता है वहाँ एमआईएम जीत पाएंगे? आपको यहाँ का भीड़ से क्या लगा? जीतने का चांसेस है। तो फिर सवाल खुद कर रहे हैं आप, जवाब भी आपको खुद ही मिल रहा है, मतलब मेरे से मत पूछिए। आप लोगों का भीड़ जनसाल आप देखिए ना, आरोप लगता है क्या कहेंगे? कम्युनल का बात ही छोड़िए, जो इंसान मुस्लिम के अलावा हिंदू जात को इतना क्लोजली पसंद करते हो, उनसे आप कम्युनल और सेक्युलर की बात नहीं कर सकते, उनसे सिर्फ आप हिंदुस्तानी का ही बात कर सकते हैं, और वो एक सच्चे हिंदुस्तान है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस चीज़ का प्रूफ है। ममता बनर्जी का कहना है वो बीजेपी से पैसा लेकर बंगाल आए हैं साजिश रचने के लिए उनके अगेंस्ट में। ममता बनर्जी का बात जहां तक रहा, देखिए ममता बनर्जी क्या है क्या नहीं वो खुद जानती है। हमको तो लगता है जैसा कुछ दिन पहले हमारे सदर साहब ने बोला था, आज मैं अभी बोल दे रहा हूं, अगर ममता बनर्जी जी साबित कर दे तो असदुद्दीन अवैसी जी ने बोला ना कि हम अपना 90% पैसा उनके भाईपो को दे देंगे, तो मैं भी वही बोलता हूँ। आज ये पश्चिम बर्धमान जिला का सबसे मेन गढ़ है आसनसोल, ठीक है, कितना कोयला चोरी और कितना लोहा चोरी और कितना ड्रग एडिक्ट और कितना माफिया गुंडा यहाँ से पैसा पहुँचा रहा है सब हम लोगों को पता है। हम लोग मुँह नहीं खोल रहे, जब मुँह खोलेंगे ना तो अच्छा अच्छा का यहाँ के जो रहनुमा बने फिर रहे हैं उनका भी हवा खराब हो जाएगा।